साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम। सिद्धार्थ नगर में नगर पंचायत बिस्कोहर में पहली बार 23,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नगर पंचायत के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार चुनावी रैलियां कर रही है और प्रत्याशी भी दिन रात क्षेत्र में चलकर जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर चुनाव जिताने की भी अपील कर रहे हैं। बिस्कोहर नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी विनोद यादव भी लगातार जनसंपर्क कर लोगों के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बिस्कोहर नगर पंचायत से बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष प्रत्याशी विनोद यादव से खास बातचीत भी की है, ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर के बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रत्याशी अपने अपने विचारों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी चेयरमैन प्रत्याशी विनोद यादव। विनोद यादव के बारे में बात किया जाए तो ये एक युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और नगर पंचायत क्षेत्र में अपना विशेष एक तरह से माहौल बना चुके हैं और लगातार ये जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता अगर इनका चुनाव करती है तो क्या कुछ विशेष नगर पंचायत के लिए करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, रवि भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आपको अपना चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है तो ऐसे में आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का कैसा समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे युवाओं पर अपना विश्वास दिखाया है उन्होंने और एक मौका दिया है नगर पंचायत बिस्कोहर वासियों को, जनता को, कि एक नौजवान आपके बीच में भेज रहे हैं और आप इनको जिताने का काम करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, सरकार बनेगी तो जो क्राइम बढ़ रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में उसको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। और हमारा मुद्दा जो है नगर पंचायत बिस्कोहर में विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा ये है कि जो है सरकारें जो चल रही हैं या जो मौजूदा हाल समय है जो है बहुत सारे वादे कर रहे हैं, सरकार में रहकर के लोग वादे कर रहे हैं तो काम कब करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो सरकार चल रही है अगर आज भी वो वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि उनको केवल इंजन की ज़रूरत है, उन्हें डिब्बों की ज़रूरत नहीं है और इंजन बिना डिब्बे के बेकार होते हैं। तो क्या क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उनको बता रहे हैं कि अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतता हूँ तो क्या कुछ विशेष नगर पंचायत के लिए करूँगा? बिल्कुल विशेष किया जाएगा, जो रास्ते हैं नाले हैं उनको तुरंत बनवाने का काम किया जाएगा, बढ़िया रास्ता बनाने का काम किया जाएगा। जो नगर पंचायत घोषित होने के बाद तमाम प्रकार की जो है टैक्स लगते हैं यहाँ पर, उन टैक्स में कम से कम खर्च में लोगों को सुविधा मिले ऐसी कोशिश होगी हमारी। देखा जाए तो और लोग भी जो पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं वो भी जनता के बीच में उपलब्धियाँ गिना रहे हैं तो ऐसे में क्या कुछ विशेष जनता आप में बेहतर देखेगी जो आपको अपना नेता और इधर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताएगी, क्या कुछ विशेष रहेगा? जनता जो है बहुजन समाज पार्टी पर बहुत विशेष ध्यान बना कर रखी हैं और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जता रही हैं। नौजवान उम्मीदवार हैं जनता के बीच में, जनता जनार्दन जो है नौजवान के ऊपर ज़्यादा बहुत विश्वास दिखा रहे हैं और उनको भरोसा है कि अगर ये चुनाव उनको जिता लेंगे तो ये हमारा सबसे अच्छा काम करेंगे। देखा जाए तो बिस्कोहर नगर पंचायत अभी नवसृजित है, यहाँ बहुत सारे काम होने बाकी हैं तो ऐसे में लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो किस निगाह से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कुछ आप उनसे वादे कर रहे हैं और ऐसे में इस गांव क्षेत्र से क्या कुछ समस्याएं निकल कर के आ रही हैं? गांव क्षेत्र से समस्याएं निकल के आ रही हैं, देखिए कहीं
आने जाने के लिए किसी गांव में आप घुस जाइए तो ठीक रास्ता आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आप जिस रास्ते पे खड़े हैं वो रास्ता भी टूटा है, जो कि फूलपुर राजा से रामनगर तक जाता है। तो सबसे बढ़िया जो है, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या जो है रास्ता और नाली की है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार में रहकर के लोग अगर वादा कर रहे हैं, 3 वर्ष लगभग हो गया नगर पंचायत घोषित हुए, 3 वर्ष में बहुत सारे बजट आए होंगे, बहुत आवास आए हैं, बहुत सारी सुविधाएं आए होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गरीब जनता तक वो सुविधाएं पहुंची हैं। उसमें जो है दलाली हो गई, कोई आधा पैसा खा गया, कोई रोड का पैसा खा गया, तो इस तरह से लोगों तक सुविधाएँ पहुँच नहीं पाई हैं। और वादे जो कर रहे हैं वो सरकार में रहकर अगर कोई वादा कर रहा है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप सरकार में हैं, आपको वादा नहीं, आपको काम करना चाहिए, और आपने वो काम नहीं किया है। इसलिए जनता बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताकर इस नौजवान को अगर चुनाव जिताएगी तो हम सबसे पहले जो सारे वादे कर रहे हैं वो वादे नहीं हैं, हम उसको पूरा कर करके उनके अंदर एक विश्वास जताने का काम करेंगे कि आने वाले 5 वर्ष में फिर से वो एक नए जो है फिर से वो विनोद कुमार यादव को जिताने का काम करें। मेरा यही वादा रहेगा कि मैं जो वादा कर रहा हूँ वो वादा नहीं, मैं उसको करके दिखाऊंगा, ताकि मुझे भविष्य में कोई ऐसी समस्या ना हो कि मैं कहीं किसी के घर जाऊं वोट मांगने के लिए तो मुझे सामने से ये सुनने को मिले कि आपने वादा किया 5 साल आपको जिताए चुनाव और आपने कुछ नहीं किया। ये सारी समस्याएं मैं ख़त्म कर दूंगा। राजनीति का अनुभव मुझे जो है, मैं 7 वर्ष से राजनीति में हूँ। उससे पहले जो है हमारे बाबा जी जो थे और हमारे तमाम बड़े भाई जो है राजनीति में थे, उन्हीं से मुझे अनुभव हुआ है। और मैं पिछले 7 साल से राजनीति में हूँ, इसलिए राजनीति में जो है जनता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर एक बार आप झूठ बोलकर चुनाव जीत भी गए तो आने वाले भविष्य में आप कभी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। वही जनता आपको जिताती है, वही जनता आपको चुनाव हराती है। इसलिए झूठ बोलना बंद करें, और झूठ बोलने वालों को जनता एकदम नकार रही है। और मैं जो वादा कर रहा हूँ जनता के बीच में जा करके एक विश्वास दिलाने का काम करता हूँ कि अभी हम लोग नौजवान हैं, हम लोग ना तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं, ना किसी का कोई नुकसान करने आए हैं। जो अगर आप हमें अपना आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले हम जनता की सारी समस्याएं ख़त्म करके उनको खुशहाल करेंगे, उनको जो है सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आपने देखा हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से बिस्कोहर नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी विनोद यादव जी खास बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि अगर नगर पंचायत क्षेत्र की जनता उन्हें अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताती है तो वह वादा नहीं करेंगे, वह जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखाएंगे। और विकास क्या होता है, किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाता है वो अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ होगा, एक विकास की इबादत लिखी जाएगी अगर उन्हें ये नगर पंचायत अध्यक्ष का पद जीतने का मौका मिलता है। तो विकास जमीनी स्तर पर होगा, न कि केवल दिखावे पर, वादों पर होगा। सिद्धार्थनगर से प्राइम टीवी के लिए प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। कानपुर में भी निकाय चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से खास बातचीत की और जाना कि आखिर लोग किन मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशियों को चुन रहे हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आइए हम बात करते हैं वार्ड 56 के साथ जनता की बात। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 56 के कुछ लोग, आइए हम बात करते हैं ये अपना प्रत्याशी अगली बार किसको बनाएंगे और किन मुद्दों को लेकर ये अपना प्रत्याशी सामने लाते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सगीर। आपकी बार आप किन मुद्दों को लेकर आपके अपने प्रत्याशी चुनेंगे? भाई जो हमारे वन काम कराया है जिन लोगों ने, हम उन्हीं को चुनेंगे। आपकी जो भी सफाई जो भी काम किया फटाफट काम हो गया उनको चुनेंगे आपकी हम। तो आपका वही चुनाव प्रत्याशी आगे जो पिछली बार रहा था? हाँ बिल्कुल रहेगा भाई, बिल्कुल उन्होंने काम किया। आइए हम दूसरे आदमी जानते हैं, पूछे भाई आपका नाम? भाई गुड्डू बादशाह उर्फ न्यूटी। आप क्या आप यही के हैं? जी मैं वार्ड 56 का निवासी हूँ। आपकी बार आप? और आपकी बार मैं उसी को जिताऊंगा जिसने सच्चा काम किया है, झूठा वादा नहीं किया है। पब्लिक की डिमांड पर दिन हो या रात जब उनके पास फोन गया है, पब्लिक की बात पर वो खड़े उतरे। इसलिए हम लोग उसी प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं जो पिछली बार था। देखिए ये थे हमारे साथ गुड्डू। आइए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं और भी लोगों से जानते हैं आखिर वो क्या चाहते हैं, वो किसको लाना चाहते हैं, किस प्रत्याशी को अपना सर का ताज पहनना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ, आपका नाम? मोहम्मद मुशीर खान साहब। आप इसी वार्ड से? जी वार्ड 56 से। तो आपकी बार आपका प्रत्याशी कौन होगा? हमारा वही प्रत्याशी होगा जिसने हमारे लिए काम किया, पूरे 5 साल हमारे साथ खड़ा रहा, हर छोटे टुकड़ों में रहा और क्षेत्र का पूरा काम कराया। ईमानदार है, सच्चा है, झूठे वादे नहीं करता है। जितने जिताया है उसको जिताएंगे। तो
अधिकतर लोग यहाँ पर अपने दोबारा वही प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जो पिछली बार प्रत्याशी था। आइए हम एक यहाँ के बड़े सम्मानित आदमी से बात करते हैं। आपका नाम? बरकतुल्ला मेरा नाम है, मैं वार्ड 56 से हूँ। और आपकी बार आप किसके लिए चुनाव के लिए? आपकी बार वही जीतेंगे जिन्होंने पिछली बार काम किया है। पूरे कोरोना काल में गरीब आदमियों को राशन बांटने का काम किया, उनको दवाएं मुहैया कराने का काम किया। जब सारे नेता अपने अपने घरों में आराम से चैन से सोए हुए थे, वो अपनी जान हथेली पे लेकर पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। जिनको दवाओं की जरूरत थी, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो सारी चीजों को उन्होंने मुहैया कराया और उन्होंने जो है गरीबों को राशन बांटने का काम किया, पका हुआ राशन लोगों तक पहुंचाया। तो जो इस तरह का ईमानदार कर्मठशील जो हमारे बीच में पार्षद मौजूदा टाइम पे है नूराला मज्जू, फिर से मैं उसको जिताऊंगा और इंशाअल्लाह ताला वो फिर से जीतेगा। देखिए यहाँ की जनता के साथ ये पता चलता है कि वार्ड 56 में नूर आलम और अज्जू कुरैशी का ये वार्ड है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है। लगातार जनता में भी यही है कि मैं दोबारा ये प्रत्याशी को लाना चाहूंगा। वीडियो शुभम के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज कानपुर। तो वही अतीक अशरफ हत्याकांड के बीच निकाय चुनाव की सरगर्मियां प्रयागराज में भी तेज हो गई हैं। बीजेपी हर हाल में प्रयागराज से जीतकर बड़ा संदेश लोगों को देना चाहती है, इसलिए यहां बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो यहां से अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। नगर पंचायत के लिए घर घर में प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कांति जुआरी, महेश पांडे जी, जवाहरलाल जायसवाल जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सैफुल अब्बास जी और जय सिंह चौहान जी, सब लोग बैठे हुए हैं। महेंद्र भी हैं यहाँ से, फतेहरा जी है और पूरी पूरी टीम ही है और सभी लोग जवाहरलाल जी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मेंबर लड़ रहे हैं। उनके द्वारा हम प्रचार पे निकले हैं उनके लिए और पूरी उम्मीद है और जो लोग सुन रहे होंगे और यहाँ की पूरी जनता से और वोटर से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालें जिससे सही व्यक्ति के चुनाव हो सके, जो विकास। सर, कस्बा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कस्बा वासी हैं विशेषकर अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या नहीं है यहाँ, यहाँ दो ही चीज़ें हैं, या तो अमीर है या तो गरीब है ना? और अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के सब खत्म हो रहा है, उसको उठाया ना जाए ना। शेड्यूल कास्ट भी, ओबीसी, ये सब भी खत्म हो जाएगा। दो ही कैटेगरी रह जाएगी, या तो अमीर रहेगा गरीब रहेगा, गरीब को ऊपरी तबके पर ले आना है। सर, अब आप अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं, मोदी जो सभी को लखपति बना दिए हैं, तो अमीर और गरीब रह गया है, सब तो बराबर हो गए हैं सरकार अभी बन गए तो बन जाएंगे तब क्या बात, तब उसमें से जो सबसे नीचे रहेगा उसको और ऊपर ले आया जाएगा ना। और आदर्श नगर पंचायत हो गया, सीवर लाइन का सर्वे होने जा रहा, सीवर लाइन पढ़ने जा रही, सेप्टिक टैंक से मुक्ति मिलेगी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लच्छा के रोड पे बनेगा, जो अपने आप में किसी शहर की व्यवस्था यहाँ आने जा रही। विपक्ष तो कहता है कि भाजपा खाता ही नहीं खुलेगा 13 वार्ड में, विपक्ष कहता है कि 13 वार्ड में भाजपा खाता नहीं खुलेगा। विपक्ष अपना बोल रहे हैं, हम भी अपना बोल रहे हैं मैं और मैं पर्सनल कमेंट नहीं करता किसी पार्टी के ऊपर और किसी उसके ऊपर, सिर्फ अपने लोग देखता हूँ, अपने कार्य देखता हूँ, जो कार्य नहीं हुए हैं उसको स्वीकार करता हूँ कि यहाँ कमी रह गई, इसको अगली बार। आपको हड़िया नगर पंचायत कोई कमी दिख रही है सर? हड़िया नगर पंचायत नहीं, मैं 8 नगर पंचायत देख रहा हूँ, शहर का मेयर देख रहा हूँ। अब भारत वर्ष में जहाँ जाएंगे वहाँ नालियाँ ही पट जाती है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था से है तो हमारे अपने ही गंदगी से हम उसमें डालते हैं। जब तक सीवर का पानी, नल का पानी, कूड़ा उठाने की व्यवस्था, इस सिस्टम बाई सिस्टम है। आदर्श नगर पंचायत में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, नालियों से सख करने वाली सब मशीनें खरीदी जाएंगी और इससे बेटर व्यवस्था रहेगी। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जिस टाउन एरिया में आप हैं, 8 टाउन एरिया और है जिले में, उससे सबसे अच्छी है, इसीलिए आपको आदर्श नगर पंचायत को दर्शा देंगे। अल्पसंख्यक समाज में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित रहे पात्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनके भी जन लौट रहे हैं, उनके भी मकान पक्के बन रहे हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें भी गल्ला मिल रहा है, उन्हें भी सुशासन का लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ जो गुंडे, बदमाश, माफिया जो गैर भाजपा की सरकार में जो अराजकता फैलाते थे, उससे मुक्ति मिल गई, सुशासन मिल रहा है, हमारी बहन बेटियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, ट्यूशन कोचिंग जा रही हैं, कोई डर नहीं है। और साथ ही साथ विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, न्याय भी मिल रहा है थाना तहसील से, इससे अच्छे दिन हमारे और भी आने की संभावना है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं सर्व समाज की तरफ से, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, कि उन्होंने सुशासन देने का कार्य किया। इसी के साथ ही साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो वहीं कासगंज के नगर पंचायत भरग्यान में कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजहर अली ने प्राइम टीवी से खास बातचीत के दौरान कहा कि कई वादे किए, आप भी सुनिए आखिर ये हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद कासगंज के नगर पंचायत भरग्यान में। और जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी उम्मीदवार अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत भरग्यान से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजहर अली। आइए इनसे निकाय चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। अजहर भाई, निकाय चुनाव नज़दीक है, किन किन मुद्दों को लेकर आप कस्बा भरग्यान में जो है चुनाव लड़ रहे हैं? काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उनमें से अहम मुद्दा मेरा हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। यहाँ पे आए दिन प्रेग्नेंट वुमेंस की बहुत ज़्यादा बेकदरी होती है, तो मैं चाहूँगा कि भरग्यान में एक गायनेकोलॉजिस्ट परमानेंट होना चाहिए जिससे कि भरग्यान की महिलाओं को इलाज मिल सके और सही वक्त रहते हुए उनको इलाज मिलेगा। तो आप पिछले 3-4 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है, तो उनको इस परेशानी से बचाया जा सकेगा। उसके अलावा दूसरा मेरा मुद्दा जो है वो स्कूल्स को लेके है, क्योंकि जब तक आज के युवा पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और भरग्यान का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी निचले स्तर पर है। लोगों के पास दिखाने के लिए डिग्रियाँ तो हैं लेकिन नॉलेज की कमी है, तो कहीं ना कहीं वो कमी जब दूसरों के सामने उजागर होती है तब हमें पता चलता है। तो दूसरा मेरा मुद्दा जो है वो एजुकेशन को लेके है। उसके अलावा और मेरा तीसरा मुद्दा है सारी पेंशन्स को बहाल कराने का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए राशन कार्ड बनवाने का, और लोगों के लिए मैं जितना काम आ सकता हूँ उतने मैं काम करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको नगर अध्यक्ष जैसे चुना गया तो आप क्या जो है नगर के लिए क्या विकास करेंगे? सबसे पहले तो मैं कल एक जगह गया था वोट मांगने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे 3 गलियाँ ऐसी हैं जो आप बम्बे से उतर के आते हैं तो फार्म पड़ता है फार्म में, जहाँ पे लाइटिंग की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, एक भी खम्बा नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन 3 गलियों में लाइटों की व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि वो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं और लालटेन और लैंप का सहारा लेते हैं। तो शुरुआत वहाँ से करूँगा, क्योंकि मैं अभी घूम रहा हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे जो जो चीज़ नज़र आती है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये, जैसे हम पुराने टाइम में देखते आए हैं जब भी कभी कोई चेयरमैन हुआ है तो सबसे पहले वो रोड का काम कराता है, तो वो रोड का काम तो कराते हैं लेकिन पाइपलाइन वाटर वाली डलवाना भूल जाते हैं। फिर उसके बाद में वो रोड को खुदवाते हैं, खुदवाने के बाद फिर उसकी रिपेयरिंग होती है और रोड ऊबर खावड़ हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा और रोड को रिपेयर कराया जाएगा, और जब भी रोड बनेंगे तो पहले पाइपलाइन पड़ेगी बाद में रोड बनेगा। नगर संग्राम की हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।